ओके सो सब लोग बहुत थके हुए लग रहे, ऊन में तपे हुए लग रहे, लाल लाल हो गए, ऐसा लग रहा है मेरे को। देखो ना, लाल लाल हो गए, ये लाल हो गया, वो लाल हो गई उधर, ये तो वैसे भी लाल ही है, ऐसे सब लाल लाल हो गए इधर। ऐसा खाना भी ना हो गया ना, बराबर से ज़्यादा हो गया क्या? हाँ हाँ ज़्यादा हो गया बोल रहे, हाँ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा खाऊंगा तभी थोड़े दिन। हाँ, क्योंकि दोपहर के समय में अगर ये सेशन हमें लेना है तो ध्यान रखना, जो लोग वर्चुअल देखते हैं बेटा, उन लोगों क्या है, पॉज रिलैक्स्ड, अगेन आके बैठो। लाइव में आपको एक ड्रॉबैक है, लाइव में आपको जस्ट तकड़ो दर, लाइव में आपको कोई स्कोप नहीं है। अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो इनफैक्ट आप लोगों को सिर्फ सुनना ही है। डेफिनेटली मैं आपसे भी सुनूंगा कुछ बातें, आपको भी पूछूंगा, बट जरा सी नजर लगी, बोले ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो वो दुर्घटना मत होने दो, सबसे इंपॉर्टेंट। पढ़ाई तो होती रहेगी, डेफिनेटली हम करेंगे अच्छे से। सबसे बड़ी बात ये जो है, हमारा जो सब्जेक्ट है ना, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस, एथिक्स, इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई लव टीचिंग दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट इफ यू आस्क मी बाय माई हार्ट, 2007 से सीए इंटरमीडिएट में, जो सीए आईपीसीसी पीसीसी था उस वक्त, लॉ के सब्जेक्ट में ये पार्ट था, लॉ एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो लॉ एथिक्स एंड कम्युनिकेशन में एथिक्स का पार्ट 20 मार्क्स के लिए आता था, 20 मार्क्स। उस एथिक्स के पार्ट में गवर्नेंस भी था, उस एथिक्स के पार्ट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था। 2008 से लगभग मैंने ये पढ़ाना स्टार्ट किया, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2013 डिसंबर 2013 द न्यू सिलेबस, नाउ इट इज द ओल्ड सिलेबस बिकॉज वी आर इन अगेन न्यू सिलेबस। तो डिसंबर 2013 में जब सीएस का सिलेबस चेंज हुआ था, तो डिसंबर 2013 के बाद से लेके लगभग ओल्ड सिलेबस का लास्ट बैच हुआ था डिसंबर 2018, वहां तक ये हमने कंटिन्यूसली ओल्ड सिलेबस, एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी जो इस सब्जेक्ट का नाम है वो मैंने पढ़ाया था। फिर जून 2019 का एक बैच हुआ, और अभी अगेन आप लोगों का बैच चल रहा है फ्रॉम डिसंबर पर्सपेक्टिव। लेट अस हैव अ वेरी फ्रेश डिस्कशन, एकदम माइंड फ्रेश करेगा ऐसा डिस्कशन आज इस सब्जेक्ट के बारे में समझते। बिकॉज मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप लोग जिंदगी में अभी तक कितने एथिकल रहे हो, आपने आज तक जिंदगी में कितना गवर्नेंस किया है, कितना रिस्क उठाया है और उसको मैनेज किया है। कंप्लायंसेस तो आपके रग में है ही नहीं, तो बस सब्जेक्ट का जो नाम है उसके हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। और मैं ये जैसे कहता हूँ, आशा रखता हूँ, ये मनीषा रखता हूँ, ये विश्वास रखता हूँ कि जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ आप आपके नोटबुक में ज़रूर वहाँ पर लिखोगे। क्लासरूम मटेरियल अपनी जगह पर है, क्लासरूम डिस्कशन अपनी जगह पर है, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स, जिसको हम प्यार से जी आर एम सी ई कहते हैं, या फिर इसका और एक छोटा सा नाम है, बोलते हैं टोपन नेम, हम एथिक्स भी कहते हैं या फिर हम उसे गवर्नेंस भी कहते हैं। मतलब आपको खुद समझना होगा कि अगर हम इसे सिर्फ एथिक्स भी कहते हैं और गवर्नेंस भी कहते हैं, मतलब रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस ये टोपन नाम में है ही नहीं। मतलब रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंसेस कहीं ना कहीं ये गवर्नेंस और एथिक्स के अंदर ही है। सब्जेक्ट का नाम भले उन्होंने गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स किया है, बट मैं आपको बता दूं, ओल्ड सिलेबस जो एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी हुआ करता था, उसमें ये जो चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट, ये ओल्ड सिलेबस में भी हुआ करता था, बट इट वॉज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस ओनली, ये गवर्नेंस का हिस्सा हुआ करता था, जो गवर्नेंस के चैप्टर्स थे उसी में रिस्क मैनेजमेंट होता था।
जो कंप्लायंसेस का पार्ट है वो एक कंप्लीटली न्यू पार्ट है जो ऐड हुआ है, बट लेकिन जहां तक कंप्लायंसेस का पार्ट है मैं आपको बोलूंगा, कंप्लायंसेस के लिए आप लोग जो आपका डीडी है, डीडी मॉड्यूल टू में जो डीडी सब्जेक्ट है, उस डीडी सब्जेक्ट में भी कंप्लायंसेस है, और डेफिनेटली जो डीडी के कंप्लायंसेस का पार्ट है वही यहां पर एथिक्स के अंदर कंप्लायंसेस का पार्ट है। मतलब एक तीर में दो निशाने होने वाले आपके। जब हम कंप्लायंसेस का पार्ट यहां पर पढ़ेंगे तो डीडी में भी आपका कंप्लायंसेस का पार्ट लगभग सेम है, तो वहां पर भी आप उसे कंप्लीट कर सकोगे। मतलब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ने, आईसीएसआई ने कंप्लायंसेस का जो पार्ट डीडी में था वही अगेन फिर से एथिक्स में भी ऐड कर लिया। आई डोंट नो व्हाट वाज द थॉट एंड अप्रोच, बट यस स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि अगर न्यू सिलेबस का हम पेपर देखते हैं, मैं बहुत खुश हुआ न्यू सिलेबस का पेपर पैटर्न और ट्रेंड देखकर इंस्टीट्यूट का, कि इंस्टीट्यूट चाहती है, जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ, इंस्टीट्यूट चाहती है कि आप एटलीस्ट मॉड्यूल वन तो पक्का पास हो जाओ। इंस्टीट्यूट चाहती है कि ये सब्जेक्ट जो है एथिक्स गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, ये सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बने। मॉड्यूल वन में आपका टैक्स लॉज है, टैक्स लॉज में अक्सर सीएस के स्टूडेंट्स टैक्स में कितने वफादार होते हैं, टैक्स लॉस पढ़ने में, ये आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, और आपने ये एग्जीक्यूटिव लेवल में देखा है। जहां तक ड्राफ्टिंग का सवाल है, अगेन क्योंकि काफी टेक्निकल वर्ड्स है, काफी लीगल वर्ड्स है, आ गए तो 60 प्लस, नहीं तो 40 भी मुश्किल है, ऐसे ड्राफ्टिंग में हाल होता है। सो इट इज अ लिटिल बिट अनप्रिडिक्टेबल, बट यस व्हाट कैन वी प्रेडिक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज पैटर्न बहुत फिक्स्ड है इस सब्जेक्ट का, और पेपर पैटर्न फिक्स होने के कारण, पेपर पैटर्न काफी फिक्स होने के कारण हम लोग काफी आसानी से प्लान कर सकते हैं कि कैसे पेपर लिखना है, कौन सा पार्ट पहले लिखना है, कौन सा पार्ट बाद में लिखना है, उस पर हम आएंगे स्लोली स्टडीली। बट यस बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन लेट अस फोकस ऑन दिस टू वर्ड्स। आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड एथिक्स। आप मुझे बोलो आपके हिसाब से, अगेन बी वेरी ऑनेस्ट, पता है तो बोलो फेको मत, आपके हिसाब से एथिक्स इस वर्ड का अर्थ क्या है? हाँ ओके आप जो भी बोलोगे मैं यहां पे जरूर लिखूंगा। किसी ने कहा है एथिक्स बिहेवियर है, ओके गुड, और मॉरल्स, ओके किसी ने मॉरल बिहेवियर कहा है तो मैं मॉरल्स लिखता हूं, ओके और अच्छा राइट या रॉन्ग क्या है वो उस पर्सन का डिफाइन करता है, ओके शेयर योर थॉट्स, फील फ्री। देखो जितना आप फ्रीली शेयर करोगे ना उतना हमारे डिस्कशन को और मजा आएगा, फिर मुझे भी देखना पड़ेगा कि आप लोग कितने पानी में हो, कितना आप समझते हो एथिक्स को। तो यस गो अहेड, यस यू वांट टू से समथिंग, यू हैव नो एथिकल थॉट्स सो फार इन योर लाइफ? नो, ओह माय गॉड, सो एनीवन एल्स? यस ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग कहा है किसी ने, प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ओके हो गया इतना ही है, थॉट प्रोसेस एंडेड। हाँ कोड ऑफ कंडक्ट, शायद तुमने बिहेवियर कहा था, तुमने कोड ऑफ कंडक्ट भी ऐड कर दिया, जोर दो कुछ ना कुछ लगेगा, कोड ऑफ कंडक्ट, ओके। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, ये जो भी हमने यहां पर सब कुछ लिखा है ना, जैसे कि किसी ने कहा एथिक्स बिहेवियर है, तो हम अक्सर कहते हैं स्वभाव वाला औषध नहीं, बिहेवियर, आई होप यू अंडरस्टैंड, मराठी सबको समझता है, कोणाला मराठी कळत नहीं, बिहेवियर समझता है, स्वभाव समझता है, स्वभाव वाला औषध नहीं, देयर इज नो मेडिसिन फॉर बिहेवियर, देयर इज नो मेडिसिन फॉर बिहेवियर, ऐसा एक कहावत है पता है आपको? तो मतलब क्या एथिक्स बिहेवियर हो सकता है? कभी नहीं। एथिक्स बिहेवियर एक व्यक्ति का हम कह सकते हैं कभी चेंज नहीं होता है, बट एथिक्स चेंजेस, एथिक्स चेंजेस, तो एथिक्स बिहेवियर नहीं है। फिर किसी ने कहा एथिक्स मॉरल्स है, तो बिल्कुल भी नहीं, एथिक्स मॉरल्स नहीं है। इसका एग्जाम्पल सुनो, आपने अगर स्कूल में 10th स्टैंडर्ड तक अगर मॉरल साइंस, अगर आप इंग्लिश मीडियम में होंगे तो आपने मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट स्कूल में होगा आपको,
या फिर आपने कोई स्टोरी की बुक पढ़ी है तो उसके स्टोरी के बुक के एंड में मॉरल ऑफ द स्टोरीज, कहीं ऐसा पढ़ा क्या एथिक्स ऑफ द स्टोरीज? नहीं, मतलब मॉरल्स और एथिक्स अलग अलग है। कैसे सर? देखो मॉरल्स हम कहते हैं हजारों साल पहले जो थे वही आज है और हजारों साल बाद भी वही रहेंगे, मॉरल्स कभी चेंज नहीं होते। झूठ मत बोलो, बड़ों का रिस्पेक्ट करो, चोरी मत करो, ये मॉरल वैल्यूज है जो कभी चेंज होते नहीं है। किसी भी धर्म में, किसी भी समुदाय में, किसी भी कास्ट ग्रेड रिलीजन में आप जाओ, सबके मॉरल वैल्यूज सेम ही होते हैं। अरे बोलो, बिकॉज मॉरल इज समथिंग विच वी गेट फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द रिलीजन, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर वी कैन से सोसाइटी, मोस्ट प्रॉब्ली सोसाइटी। देन राइट और रॉन्ग, किसी ने कहा राइट और रॉन्ग, किसी ने कहा प्रिंसिपल्स ऑफ राइट रॉन्ग, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन डिटेल में करना चाहूंगा। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं दोस्तों एथिक्स पाप है, मैं अक्सर बच्चों को क्या कहता हूं दोस्तों एथिक्स पाप है। बच्चे कहते सर ऐसे कैसे पाप है? तो मैं उन्हें कहता दोस्तों एथिक्स पाप कैसे, ध्यान से सुनो, एथिक्स आर पर्सनली एक्सेप्टेड, उस पाप को एक ये हटा देता हूं, पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग है कि नहीं वो आपको पता चलेगा अभी। पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स मतलब एथिक्स, मतलब एथिक्स पाप है। सर कैसे? मैं से कहता हूं एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को जीने के लिए जो अपने प्रिंसिपल्स वैल्यूज अपनाए हैं उस समय पर, वो उसके एथिक्स है। मैंने कहा उस समय पर, एथिक्स ऑफ अ पर्सन, प्रिंसिपल्स एडॉप्टेड बाय दैट पर्सन फॉर लिविंग हिज लाइफ विल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द एक्सपीरियंसेस ही गेन्स फ्रॉम द पीपल विथ हुम ही लिव्स। हम सब का देखो, हम सब जब बचपन में थे, इनफैक्ट आई डोंट नो सम एक्सेप्शंस मे बी हियर, बट जब बचपन में अक्सर आप जब बच्चे होते हो तो आपका एथिक्स और प्रिंसिपल्स क्या होता है? खेलना, कूदना, चॉकलेट, कॉमन, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। थोड़ा सा टीनेजर बन गए, आपके एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते। जब आप थोड़े से और ग्रोन अप बन जाते हो, मे बी आप खुद पेरेंट बन गए, आपके एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स चेंज हो जाएंगे। जब अक्सर आप फिर बूढ़े हो गए, बूढ़े होने के बाद आप अक्सर लोगों को बोलोगे बेटा ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे लिए गलत है, ये तुम्हारे लिए सही है। हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू कर देते और हमें उन्हें एथिकल वैल्यूज समझाने पड़ते हैं जो हमसे छोटे होते। मतलब ये जो एथिक्स एक पर्सन का होता है वो एक पर्सन का समय समय पर बदलते रहता है। बट खास बात इसमें यह है, एथिक्स आर, इफ यू आस्क मी समथिंग, एथिक्स ये जो वर्ड है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथिकॉस, मतलब उसका और एक नाम है एथॉस, जिसका मतलब है कैरेक्टर, उसका मतलब क्या है? कैरेक्टर। सो एथिक्स इज नथिंग बट द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। और फिर अक्सर आपने ये सब पढ़ा होगा, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अरे ये सुनो, मतलब क्या, कहीं ना कहीं ये एथिक्स का महत्व बहुत ज्यादा है। और खास बात ये है दोस्तों, इस क्लास में ये स्टूडेंट्स जो वर्चुअल देख रहे हैं, हम सब एक भी व्यक्ति के एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स सेम नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। व्हाट इज योर नेम? श्रवण। एंड योर्स? भाग्यश्री और श्रवण दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो श्रवण के घर में अच्छे काम के लिए बाहर निकलना है, श्रवण के घर में अच्छे काम के लिए बाहर निकलना है तो बड़ों के पैर छूते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और भाग्यश्री के घर में अच्छे काम के लिए बाहर निकलना है तो दही और शक्कर खाते हैं। क्या खाते हैं? मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ फॉर यू अंडरस्टैंडिंग। अब मुझे बोलो, श्रवण के घर में अच्छे काम के लिए बाहर निकलना है तो बड़ों के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं। और भाग्यश्री के घर में अच्छे काम के लिए बाहर निकलना है तो दही शक्कर खाते हैं। इन दोनों में कौन सही है? दोनों सही है, मतलब दोनों की अपने अपने प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज है, मान्यता है। और यस और नो,
एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, एथिक्स किसी एक पर्सन का सही है और किसी और का गलत है, मतलब एक का राइट है एक का रॉन्ग है, कभी नहीं है। इनफैक्ट हम एथिक्स को कहते हैं एथिक्स इज चूजिंग राइट फ्रॉम राइट, एथिक्स इज चूजिंग राइट फ्रॉम राइट। वो एथिकल डायलेमा की सिचुएशन हम देखेंगे बाद में, बट अभी फिलहाल के लिए मैं कहूंगा एथिक्स पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है। चलो ठीक है सर, आपने कहा एथिक्स किसी एक पर्सन का सेम नहीं होता है और हर व्यक्ति के एथिकल वैल्यूज अलग होते हैं। इसको बॉलीवुड से रिलेट करते, एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, आई होप यू नो दिस, यू हैव सीन दिस, सबने देखी है ना, जिन्होंने नहीं देखी एक बार देख लेना ताकि आपको पता चलेगा मैं जो बोल रहा हूं। तो उस बाजीराव मस्तानी मूवी में रणवीर सिंह है, दीपिका पादुकोण है और प्रियंका चोपड़ा है। रणवीर सिंह इज प्लेइंग द रोल ऑफ बाजीराव पेशवा, दीपिका पादुकोण इज प्लेइंग द रोल ऑफ मस्तानी, एंड डेफिनेटली प्रियंका चोपड़ा इज प्लेइंग द वाइफ ऑफ रणवीर सिंह, दैट बाजीराव पेशवाज वाइफ। अब इसमें रणवीर सिंह को जब पता था कि वो शादीशुदा है, दीपिका पादुकोण को पता था जब वो शादीशुदा है, इसके बावजूद उनकी वैल्यूज, उनके प्रिंसिपल्स जो उन्हें सही लगा उस पर्टिकुलर समय पर, उन्होंने वो अपने लिए जो सही समझा वो उन्होंने फॉलो किया। अब रणवीर सिंह को भी पता था वो शादीशुदा है, बट फिर भी वो मस्तानी के मोहजाल में फंस गए या अपने मर्जी से फंसे। प्रियंका चोपड़ा जो उनकी वाइफ है, उनको भी पता था कि मस्तानी और बाजीराव का अफेयर है, बट फिर भी एक पतिव्रता नारी होते हुए उन्होंने अपना धर्म निभाया, उन्होंने अपने, हम कह सकते हैं, एक भारतीय आदर्श नारी का पालन किया, अपने धर्म निभाया। कहने का पर्पज, डोंट टेक इट इन अदर वेज, कहने का पर्पज यह है कि हर व्यक्ति ने अपने लिए जो सही लगा वो किया, और किसी ने भी किसी और व्यक्ति को उसके लिए, हम कह सकते हर्ट नहीं किया। बाजीराव को यह पता होने के बावजूद भी उन्होंने अपने वाइफ के वाइफ को भी संभाला, मस्तानी को संभाला, बैलेंस किया, बिकॉज ये उनका एथिकल वैल्यू, उनको लगा कि प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, एंड ही फॉलोड हिज ओन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ स्टूडेंट बहुत सीरियस हो गए इस बातों को लेकर, टेक इट इन लाइटर नोट। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एथिकल वैल्यूज ये समय समय पर चेंज हो सकता है, और एक व्यक्ति के, वही बाजीराव मस्तानी का अगर एग्जाम्पल हम और भी बॉलीवुड की मूवीज के साथ रिलेट कर सकते हैं, बट वो मूवीज है, तो उस मूवीज को सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर एथिक्स का ये मीनिंग है, तो फिर इस एथिक्स को हम हमारे सब्जेक्ट के लिए यहां से, मतलब गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस, ये जो पार्ट है, ये सारे बिजनेस से रिलेटेड है, ये सब कुछ किससे रिलेटेड है, बिजनेस से। तो सवाल ये आता है, ये एथिक्स का बिजनेस के साथ क्या कनेक्शन है, क्या नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एथिक्स और बिजनेस का ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई कोई बोलेगा हाउ एथिक्स इज रिलेटेड टू बिजनेस, एथिक्स तो समझा, एथिक्स एक इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है, बिकॉज एथिक्स पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है। तो फिर इस एथिक्स का बिजनेस के साथ क्या रिश्ता है, जिसको हम बिजनेस एथिक्स भी कहते हैं? एनीवन, सोचोगे तो बोलोगे, सुनोगे तो अच्छा लगेगा। बिजनेस में हम क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं? तुम्हें लगता है जो लोग पर्सनल लाइफ में होते हैं वही बिजनेस में करते हैं? नहीं करते। देखो वो भी नहीं बोल रही तुरंत, नहीं 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 नहीं, मतलब क्या, एथिक्स इंडिविजुअल से जुड़ा है, बिजनेस एक व्यक्ति जब आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर अपने लाइवलीहुड के लिए जब जी रहा है, तो वो उसके बिजनेस, उस एक्टिविटी को लेकर स्टेट ऑफ बीइंग बिजी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी। एथिक्स और बिजनेस का रिश्ता कैसा है, हम कहते हैं व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, व्हाई वी नीड एथिक्स। यू वांट टू से समथिंग? हाँ, बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी विच हैज इट्स ओन कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट आई अंडरस्टैंड, बट डू यू फील कोड ऑफ कंडक्ट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम? As per the regulations, if the regulations are same, laws are same, code of conduct will be same for everyone in the business. Code of conduct, when you are doing a business, for everyone in the business, code of conduct has to be same. But ethics to person change ho raha hai. I hope you are getting it, all of you. You are getting a link of it, na? Okay, let me put up the things in a different way. Maine ethics aur business ka link aapko pucha, ethics ka meaning bata diya. What is ethics? Sab log bolo, ethics paap hai.
पर्सनली एक्सेप्टेड नहीं, आते आते कोई पूछे एथिक्स पाप है, पाप मतलब क्या? पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, एक इंडिविजुअल के पर्सनल एट्रीब्यूट्स है. ओके, बिजनेस स्टेट ऑफ बीइंग बिजी. बट ये जो बिजनेस है ना दोस्तों, दिस बिजनेस इज मेड आउट ऑफ थ्री डिफरेंट स्टेप्स. अंडरस्टैंड दैट. कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस, उस बिजनेस में जो तीन स्टेप्स होते हैं ना, वो होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. अरे पता है कि नहीं? अच्छा, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट पता है, बट फिर जो हम इनपुट बिजनेस में करते हैं, इनपुट हम बिजनेस में क्या करते हैं? तो इकोनॉमिक टर्म्स की भाषा में, इकोनॉमिक्स अगर आप सबने पढ़ा है, तो हम बिजनेस में इनपुट करते हैं मैन, मटेरियल्स एंड मनी. हाँ, कुछ स्टूडेंट नहीं करेंगे भाषा में, वो थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा होगा, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड ऑल दैट. ये सब नो दिमाग में आया होगा ना? करेक्ट. मैन जब मैं कहता हूं ना, मैन मतलब द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, मटेरियल मतलब द रॉ मटेरियल्स, एंड मनी मतलब फाइनेंस. कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो, फिर वो पार्टनरशिप फर्म हो, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर हो, HUF हो, कंपनी हो, LLP हो, कोई भी हो, उस बिजनेस एक्टिविटी के अंदर ये तीन स्टेप्स होने ही होने. मैन, मटेरियल्स, मनी, ये इनपुट करते हैं हम, अच्छी बात है. बट ये मैन, मटेरियल्स, मनी जो हम इनपुट करते हैं बिजनेस में, ये कहां से आता है रे? अरे कहां से आता है? सोसाइटी से आता है. अगर समाज, सोसाइटी, वो मैन, वो मटेरियल, वो पैसा अवेलेबल नहीं कराएगा, तो बिजनेस इनपुट कहां से करेगा? तो बिजनेस में हम जो भी इनपुट करते हैं, मैन, मटेरियल्स, मनी, वो बिजनेस के लिए सोसाइटी प्रोवाइड करता है. जो प्रोसेसिंग बिजनेस में किया जाता है, वो बिजनेस के मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज मिलकर करते हैं. अरे ये सुनो, एम्प्लॉयज और मैनेजर्स मिलकर जो प्रोसेसिंग करते हैं, वो एम्प्लॉयज मैनेजर्स कहां से बिलोंग करते हैं? सोसाइटी से. अरे जो आउटपुट बिजनेस का खरीदते हैं, वो कस्टमर्स और वो कंज्यूमर्स, वो कहां से बिलोंग करते हैं? अरे वो भी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं. मतलब बिजनेस का इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट तीनों सोसाइटी की देन है. बिजनेस का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी सोसाइटी की देन है. मतलब बिजनेस आज जो कुछ भी अर्न कर रहा है, वो सोसाइटी की वजह से अर्न कर रहा है. एंड नाउ यू गॉट द पॉइंट. तो जब सोसाइटी बिजनेस को ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो इन रिटर्न सोसाइटी भी एक्सपेक्ट करता है कि जो बिजनेस सोसाइटी में रन हो वो एथिकल हो, जो बिजनेस सोसाइटी में रन हो वो समाज के भलाई के लिए हो, जो बिजनेस सोसाइटी में रन हो वो लोगों के कल्याण के लिए हो, ना कि वो बिजनेस अनएथिकल हो, लोगों को गलत राह पर लेके जाने वाला हो. अगर वो ऐसा हुआ तो यू ऑल हैव स्टडीड इलीगल बिजनेस, अनलॉफुल बिजनेस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. और ये सुनो, मतलब मैं कहता हूं व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस, व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस, इट इज द ड्यूटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स, अरे बोलो, सोसाइटी. भैया अगर आप बिजनेस में एथिक्स फॉलो करोगे तो ही आप फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अटेन कर पाओगे, क्योंकि ये समाज सब कुछ जानता है, ये पब्लिक सब जानती है भाई, अंदर क्या है बाहर क्या है सब जानती है, पहचानती है. आप बिजनेस में कितना भी पब्लिक को गुमराह करके, उन्हें मिसगाइड करके एथिकल वे में बिजनेस कर रहे हो, बताओ, बट अनएथिकल वे में करो, एक ना एक दिन ये सोसाइटी, ये समाज आपसे, आपको प्रोवाइड किए जाने वाले रिसोर्सेस छीन लेगा. अगर आपके बिजनेस में वो एथिकल रवैया, बिहेवियर नहीं रहा, तो आपका लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा, आपके मतलब मैनेजर्स एम्प्लॉयज तंग करेंगे. आपके बिजनेस में अगर आपका एथिकल रवैया नहीं रहा, तो आपका कस्टमर और कंज्यूमर आपसे दूर होते जाएगा एक ना दिन. अगर आपके बिजनेस में एथिकल बिहेवियर नहीं रहा, तो मटेरियल्स और मनी आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, आपका विजय मल्ल्या हो जाएगा. और यस और नो, मतलब बिजनेस में एथिक्स हमें क्यों जरूरी है? बिकॉज इट्स द ड्यूटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी. भाई बिजनेस का पूरा प्रॉफिट सोसाइटी की देन है, तो इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, सोसाइटी एक्सपेक्ट द बिजनेस टू बी एथिकल. बट इज दिस द ओनली रीजन? नो, इट इज वन ऑफ द रीजंस, इंपॉर्टेंट रीजंस. इसके पीछे एक और रीजन है व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस, एंड द सेकंड रीजन इज ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स. ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स, क्या बात है, क्या बात है.
कौन बोलेगा? ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स. पहले मुझे बोलो स्टेक होल्डर कौन है? ओके, एवरीवन हु कंट्रीब्यूट्स टू द कंपनी, एम्प्लॉयज एंड ऑल दैट. हाँ, फॉर अ कंपनी देर आर वेरियस स्टेक होल्डर्स. ओके, गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स, शेयर होल्डर्स, ओके, कस्टमर, सोसाइटी, फाइन. एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड इन डिफरेंट वर्ड टर्म्स? मैं जो बोलो ध्यान सुनो. ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स, देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स. एंड इट इज द ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स. व्हाई? अंडरस्टैंड, ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स. पहले मैं स्टेक होल्डर्स टर्म बता रहा हूँ, उसके बाद उसका रिलेशन बताऊंगा. स्टेक होल्डर्स में मैं नीचे लिखूंगा ऐसे एरो ड्रॉ करके. स्टेक होल्डर्स में आता है इनसाइडर्स, आउटसाइडर्स. जैसे कि किसी ने कहा पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूट, हम कहते हैं स्टेक होल्डर कौन है? पीपल हु कैन अफेक्ट एंड हु कैन बी अफेक्टेड. क्या कह रहा हूं मैं? पीपल हु कैन अफेक्ट एंड पीपल हु कैन बी अफेक्टेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द स्टेक होल्डर्स. बहुत सिंपल टर्म्स है. पीपल हु कैन अफेक्ट योर बिजनेस एंड पीपल हु कैन बी अफेक्टेड बाय योर बिजनेस आर योर स्टेक होल्डर्स. अब ये इनसाइडर्स आउटसाइडर्स में जब हम कहते हैं तो डेफिनेटली इनसाइडर्स में पहले सबसे पहले आता है एम्प्लॉइज, ओनर. आउटसाइडर्स में आएगा शेयर होल्डर्स. अब कुछ ढूंढ तो क्वेरी पूछते सर शेयर होल्डर्स आ दो ओनर्स ना, फिर ओनर्स इधर भी उधर भी की. अरे भाई ओनर मतलब यहां पे प्रमोटर समझो. शेयर होल्डर्स के बाद आता है बी गवर्नमेंट, देन सी क्रेडिटर्स, डी सप्लायर्स जो आपके वेंडर्स हैं, ई सोसाइटी तो बाय डिफॉल्ट ही है बट उसके अलावा कॉम्पिटिटर्स, या मैं पहले लिखूंगा लोकल अथॉरिटी, द एरिया वेर यू डू बिजनेस द लोकल अथॉरिटी, कॉम्पिटिटर्स एंड ब्रह्मास्त्र में लिखने जा रहा हूं अभी. ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र क्या? देखो मेरे पास देखो उसको एंड ईटीसी. मतलब क्या? स्टेक होल्डर का डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव है. स्टेक होल्डर इज अ इंक्लूसिव टर्म क्योंकि पीपल हु कैन अफेक्ट एंड हु कैन बी अफेक्टेड. आई हैव जस्ट गिवन यू लिस्ट, दिस लिस्ट इज इंक्लूसिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव. इसमें और भी लोग आ सकते हैं बट इसमें खास बात है कॉम्पिटिटर्स कैन बी योर स्टेक होल्डर्स. कॉम्पिटिटर्स आर योर स्टेक होल्डर्स. पीपल हु कैन अफेक्ट एंड हु कैन बी अफेक्टेड. आप ध्यान से सुनना, व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस? ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी का, ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स का. ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स क्यों? बिकॉज मैं कहूंगा बिजनेस ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द स्टेक होल्डर्स. अगर बिजनेस एथिकल होगा तो स्टेक होल्डर्स पर इंपैक्ट पॉजिटिव होगा. अगर बिजनेस अनएथिकल होगा, अनलॉफुल होगा, स्टेक होल्डर्स पर उसका इंपैक्ट नेगेटिव होगा. तो बिजनेस को अगर अपने स्टेक होल्डर्स के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करना है तो बिजनेस को क्या करना है? अपने आप को एथिकल बनाए रखना है. सर एग्जांपल दो बिजनेस का पॉजिटिव इंपैक्ट इंफोसिस, बिजनेस का नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द स्टेक होल्डर्स सत्यम. जिसको समझा ठीक, जिसको नहीं समझा पोगो. देखो देखो बिजनेस का पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द स्टेक होल्डर्स इंफोसिस. आज मैं अपने बारे में तो बताऊंगा डेफिनेटली हाउ इंफोसिस हैज चेंज्ड आवर लाइफ, बट डेफिनेटली बैंगलोर को सिलिकॉन वैली, पुणे के हिंजेवाड़ी को अपना एक एग्जिस्टेंस, हैदराबाद को अपना एक एग्जिस्टेंस दिलाने के पीछे अगर सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अगर किसी ने किया है तो इंफोसिस ने किया. आज इंडियन आईटी सेक्टर को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर इंडियन आईटी सेक्टर का एक अलग इमेज बनाने में अगर किसी ने कंट्रीब्यूट किया तो इंफोसिस ने किया है. मतलब दे हैव क्रिएटेड अ पॉजिटिव इंपैक्ट नॉट ओनली ऑन देयर ओन एम्प्लॉइज एंड शेयरहोल्डर्स, ऑन द एंटायर सोसाइटी, वी कैन से ऑन द कंट्री इटसेल्फ.
अरे बोलो भाई, इसके विपरीत नेगेटिव इंपैक्ट जो सत्यम ने क्रिएट किया। सत्यम यूएस में, यूएस के नैसडैक पर भी एक लिस्टेड एंटिटी थी। सत्यम के उस स्कैम के बाद खुद आईटी सेक्टर की जो कंपनीज टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, इन्होंने गवर्नमेंट को कहा था आप इंटरवीन करना पड़ेगा, वरना आईटी सेक्टर के बारे में इंडिया का जो इमेज वर्ल्ड लेवल पर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इससे लॉन्ग टर्म रिपरकेशन होंगे, और इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा था। कहीं ना कहीं सत्यम का नेगेटिव इंपैक्ट जो उसका स्कैम हुआ, उसके बाद उनके कस्टमर्स, उनके एम्प्लॉइज, उनके शेयर होल्डर्स, इन सब के ऊपर इंपैक्ट नेगेटिव हुआ। मतलब कहीं ना कहीं सत्यम एथिक्स में सत्यम की तरफ से बहुत बड़ी चूक हो गई। अरे ये सुनो, प्रिंसिपल्स की तरफ से बहुत बड़ी चूक हो गई, और वही बात ये एग्जैक्टली विपरीत इंफोसिस ने किया पॉजिटिव इंपैक्ट। मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं इंफोसिस के बारे में, यहां पर कोई है जिसने इंफोसिस का नाम नहीं सुना है? अच्छा, तो मैं एक सवाल आपको पूछता हूं, यहां पर कौन है, बी वेरी ऑनेस्ट, यहां पर कौन है जिसको कॉग्निजेंट कंपनी का नाम आज सुना है अभी? कॉग्निजेंट, देखो, वेरी गुड, आई वॉन्टेड दैट ओनली। इसका मतलब देखो, इंफोसिस कॉग्निजेंट के बारे में आपको बता दूं, कॉग्निजेंट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल आईटी कंपनी, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ कॉग्निजेंट, यू आर अवेयर ऑफ इंफोसिस। इंफोसिस का प्रॉफिट से 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट कॉग्निजेंट का है, बट आपको कॉग्निजेंट नहीं पता है, आपको इंफोसिस पता है। मतलब लोग भी उसी को याद रखते हैं जिसने सोसाइटी में और सोशल वेलफेयर में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। कॉग्निजेंट ये भले यूएस बेस्ड कंपनी है, बट उसका इंडिया में भी एग्जिस्टेंस काफी ज्यादा मात्रा में है, एंड इट इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स। उनका प्रॉफिट मैंने कहा इंफोसिस से 3 गुना ज्यादा है, बट हमें कॉग्निजेंट नहीं पता, हमें इंफोसिस पता है। आपको सीएस बनने के बाद, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर नौकरी मिली, कॉग्निजेंट इंफोसिस दोनों ने कॉल किया, दोनों ने सेम पे पैकेज दिया, तो आप उस नाम से जुड़ना चाहोगे जो समाज में और सोसाइटी में पॉपुलर है। तो बड़ा सिंपल है, मतलब आपके बिजनेस में अगर एथिक्स होगा तो आपके साथ लोग जुड़ना चाहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये पॉजिटिव इंपैक्ट थोड़ा सा मैं अपने पर्सनल एंड से बता दूं आपको, इंफोसिस ने हाउ दे हैव चेंज, इंफोसिस कंपनी हैज चेंज्ड माय लाइफ, माय फैमिलीज लाइफ, माय मदर एंड एवरीवन। एक्चुअली माय फादर पास्ड अवे इन द ईयर 1991 व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, एंड ही हैड सम इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स। सो इन जस्ट आफ्टर ही पास्ड अवे 1.5 इयर्स देयर आफ्टर, मी, माय एल्डर ब्रदर एंड माय वाइफ ओनली, सॉरी, मी, माय एल्डर ब्रदर एंड माय mother, we all three were only there helping each other all the time, supporting each other. When he passed away, after that 1.5 years later, just when my mother was searching her cupboard, she found some shares of my father in some companies he had. Sort of curiosity, she inquired into the market. There were some different company shares. From there, she developed curiosity of stock market. It was the year 1992. Just to know what is the value of those shares, so that once the shares are sold, that can be a support for our family. Then she got interest in stock markets. She started reading newspaper of stock markets, Arthamantanik, Marathi newspaper aata tha, Sakal ka Arthamantan. Then she started subscribe for Economic Times, Big Bucks, every day. She was a BA Economics, 1976 pass out. But thereafter, you know, Jain Marwadi family, housewife, Pallu mein rehna hai, all that, you know. And after her marriage, till my father passed away, the next 15-16 years, she never came out of the, we can say, chokat ki bahar kabhi aayi nahi tha, and pallu and all that. And a drastic change when he passed away, and she got to do the job or work of my father also and mother also. She had to play a double role. At that time, she started developing interest in stock markets, and by God's grace, dekho, God kaise meherban hota hai. In the year 1993, Infosys company decided to get itself listed in the stock market. Infosys company was formed way back in 1980s, but the first time it decided to get itself listed in the year 1993, and it came out with a public issue first time. Many people subscribed, so my mother also subscribed for the shares of Infosys. She subscribed for some 100 shares at ₹9,500. 95 rupees one share value was there. So 9,500 she made investment. Many of the people did not get shares because these were overly subscribed. So some people got their money back. God's grace, she got 100 out of 100 shares. Dekho, 100 out of 100 is 9,500. Okay, still nothing, we are aware of Infosys. It is an investment done by her. Year 1993 passed, she got investment, she just kept it. She started
developing knowledge in stock markets. Year 1997 came and Indian stock markets had a big rally for IT sector because 21st century was approaching and everyone was of the opinion in the stock market that in the 21st century, IT sector is going to play a major role in every business. So everyone wanted to buy IT companies' shares. In the year 1993, one share was purchased as 95 rupees per share. In the year 1997, that one share stock price had skyrocketed to rupees 17,000 per share. How much? 17,000 per share. At that time, Satyam company was also there. That company stock price was 3,000 rupees per share. Every Indian investing into stock market wanted to invest into Infosys and IT sector, every IT sector company. At that time, many companies, when they came out with public issue, I always discuss in C-Law, company law, when I teach in CA, many companies who came out with public issue, they used to cheat people by using the name of IT sector so that their issue gets subscribed. People never used to read prospectus. DSQ software 10 times oversubscribed. Then we used to come later on, there is a real name I said, 1999 this company had come out with a public issue DSQ software, 2002 delisted that company. Because this company DSQ software, it just cast up the name of software. That company was buying scrap computers, bhangar mein computers, IT company se kharid ke, market mein scrap mein bechne ka kaam karti thi, kyunki software company se karti DSQ software. But there is a different story we discuss in prospectus. She had that temptation from her family, in fact near and dear ones, from her friends to sell those shares. When the stock price went to 17,000, she did not sell a single share. She said, if this is the price which I've increased in 4 years, I will like to keep these shares for my children and for my entire family throughout my life. Friends, and I'm very proud to say this, since 1993, I'm very closely associated because of her with all the stock market activities. We have our own broking firm right at home. Today, since 1993 till 2018, Infosys has given some 18 times, kitna times? 18 times bonus shares. 18 times bonus shares. Every time her bonus shares are multiplied. Today, she owns some 9,800 shares only of Infosys. Only of Infosys 9,800 shares. Whatever shares she sold in between the year 2003 once and when my elder brother got married and 2005-6 once when I got married, just and to buy some properties, investment, just to diversify because it said don't put all your eggs in one basket. So she is a thorough analyst. Today, her routine at the age of 65, what is her routine? She wakes up in the morning, she wakes up in the morning at 4:30. Till 6 o'clock, she does some religious activity, prayer to God and all that. 6 to 7, she goes for laughter club. 7:30, she comes back. She gets a little fresh breakfast. 9 o'clock, stock market starts. She's active. 3:30, stock market ends. She's out of the stock market. After 3:30, 4 o'clock, again, she lives her life, enjoying with her friends, going for bishi, kitty parties and all that. Whenever sometimes me and my brother, out of curiosity or out of love, I ask her, okay, mom, do you want some money? Her yearly income from dividend from this all companies, whatever she holds the portfolio, is some 16 to 17 lakhs dividend income. So when I sometimes out of, okay, mother, you give money, she said, how much money you want? I'll give you money. And I really feel proud ki I got a bond to such a mother that even today in this particular, at the age of 65, when people already have that habit of cursing some people, yeah, I see, oh, I see, or I see an entire day, and she will spend an entire day on stock market. She will, is a active YouTube user. She's an active Facebook user, active WhatsApp user. If you just go to my post, in most of my posts, she will have some likes and some comments. In all our family groups and circles, she will send some posts. Why I'm discussing this? Believe me, when my father passed away, there was no support for us. And God always cares for those who really, the family, the person who earns from the family, when he leaves away, God cares for themselves. It was like a God, we can say, caring our family. By only her, out of all the friends, she got subscribed that 100 shares of Infosys and she did not sell. So that was the biggest thing.
Last 26, 27 years, I've been watching her closely in stock market. She has hardly some 20, 25 sell entries in stock market. She did lot of investments in stock market from 93 to 99. She did daily trading. But now, I'll tell you why I'm discussing this with you. You must know this because you're going to be future professionals. And you know this. You must know this. People, she tells me always, only those people earn in stock market who purchase shares and keep it as an equity investment. Those people who do trading, buy shares, and when they will rise, they will go. They will never earn. They will earn in short term, but in long term, they will always get trapped in some of the other companies. Every day, I have a phone call with her, maybe early in the morning or in the evening, and I get some 10 minutes a daily dose of what happened in the market. And I always like to learn or like to listen to her what happened in the market. YouTube mein kafi bade bade Mohammed Faiz is a pro capital bull ke bahut badi company hai. She is an active subscriber of him. She always praises about him and she follows him very much. He's a stock market analyst. And every now and then she'll have that inputs and all that. If that Infosys company would not have been, our life would not have been as I'm sitting today. That company's dividend all the time. That company's Wipro, TCS. She has a big bank of portfolio. And that dividend income, because me and my brother was studying in Pune. And at that time, for two children to send money to Pune every month, it was a difficult job because we did not have that source of income when my father passed away. Even though that is a different story, we can discuss some of the other day. But yes, I can say you, Infosys. I have no concern or I am nowhere related with IT sector, but I am putting words of praise in favor of Infosys. Why? Impact on the stakeholder. And like me and my family, many people pan India have been positively impacted by Infosys. That I want to say you. Ki ethics, we feel okay, what impact it can create, but we never know what long term impact it has created. So this is something we can praise about. Ethics in business, duty towards society, duty towards stakeholders, and these two are achieved. The third and important reason why we do ethics in business is, if you do ethics in business, it is not only for the well-being of the business organization, it is for the well-being of the nation as a whole, and it gives the business the goodwill and the brand image. So the third reason why business needs ethics is, hum likhte hain, for the well-being of the business organization as well as nation as a whole, as well as nation as a whole, and usi mein for goodwill. अरे भाई, बिजनेस में एथिक्स होगा, गुडविल बढ़ेगा तो अपने आप तुम्हारा लेबर टर्नओवर कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा. इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स, बट वन थिंग इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज गुडविल, फॉर विच वॉट इज रिक्वायर्ड, एथिक्स इन बिजनेस. इनिशियली वेन वी रिलेट, ओके, एथिक्स इंडिविजुअल रिलेटेड है, बिजनेस अलग रिलेटेड है, तो हाउ बिजनेस इज रिलेटेड विद एथिक्स, हाउ बिजनेस मस्ट फॉलो एथिक्स. नाउ द टर्म कम्स, हाउ बिजनेस मस्ट फॉलो एथिक्स. लिसन वेरी केयरफुली. Ethics individual related, business is a group activity. They say a set of techniques. What is business ethics? A set of techniques, a set of principles which a businessman applies in his business, in the various business situations and circumstances, is business ethics. Set of techniques, set of principles which a businessman applies in the various business situations or circumstances, that is his business ethics. Agar aap bahar kuch aur, andar kuch aur ho, you are not following business ethics. Aap bahar jaise ho, waise hi andar ho, you are following business ethics. Iska matlab ye nahi ki business ethics matlab aapne bahut honest ho, to customer aaye, aapne cost price pe bech diya. That is not ethics, that is foolishness. Ethics says, okay, when you are doing business, you have right to earn profits, but you also have that obligation how much to earn profits. I hope you're getting it. When I talk about this term, business ethics and all that, I remember my
so called maternal uncle who helped us a lot when my father passed away. He was a president of ICI New Delhi, and due to his support somewhere down the line of our firm, my father's firm, he was a chartered accountant, it was survived. He was the president of ICI in the year 2002-03. A very honest, very ethical person, SP Chajad, CSP Chajad, Sukraj Pukra Chajad from Rajasthan. And we had been to Rajasthan along with him in a family, we can say, wedding ceremony. I'm just discussing that ethical part of his, how it helped. And when we were coming back, Pali Marwad, Rajasthan makes station, railway station in Jodhpur ke Nazdik. We were all just near that Pali Marwad railway station because we had gone to Pali only. And we all were had gathered at the railway station. There are only two tracks in a very small railway station, two tracks. One this track, other track. And we were standing on this part and a news came that in the next 20 minutes the train will come and the train will be on that opposite track. Not a single dog was there on the railway station. Kutta bhi nahi tha, jisko hum kehte hain. We only all 25-30 people and their family we had gathered over there for the train to be picked up. All people immediately rushed from this side to that side because there was single track, no track. And only he alone used the overbridge. And he came over there. I could not understand, frankly say at that time, I laughed. I told my mom what is. When we can go from here, he's doing this. After that, 1 or 2 years passed and I met him again in Mumbai and I recollected that incident. So I asked him out of curiosity, Mamaji, when we had been at that particular place, we all rushed from here to there because it had 20 minutes for the train to come, it was sufficient time and there was not a single dog over there. So you could have definitely gone there. Why you use the overbridge? And what he said to me is still carved on my brain and my heart. Ethics is not what you do when people see you. Ethics is not what you do when people see you. Ethics is that what you do without people seeing you. And something amazing, see, everyone can pretend to be ethical. But how much you are ethical, you yourself know. And that is something I'll say again and again. That's the reason I always love teaching this subject. And so you know, again coming back to that discussion, what we have seen so far, you're not aware, I don't know how many of you are aware, we have seen what is ethics. We have seen ethics has come from the Greek word ethikos, ethos, which means character. Ethics are personal attributes, personal principles. We have seen what is business ethics. We have seen how ethics is related with business ethics. Why we need ethics in business. We have seen that. We have seen how ethics is different from moral. Moral has been derived from the Greek word mos, which means customs. Mos means customs, tradition, parampara, jo saalon se chalte aa raha hai. Custom, tradition kabhi change nahi hota hai. Ethics changes from person to person. Moral is for the entire society. Ethics is for an individual. Moral never changes. Ethics changes from time to time. Moral, I can list you 100 morals. I cannot make you a list of 10 ethics. Why? Because what may be ethical for me, it may be ethical for him something else. So no person can list 10 ethical principles common for everyone because ethics varies from person to person. Ethics teaches us what is good, what is bad. Moral teaches us what is right, what is wrong. Slight difference, but you must know this. I hope you are aware of this ethics term. Then that thought process comes to mind. Okay, ethics, sir, we have discussed. Then if this is ethics, principles is ethics, then there is a term which we always refer in ethics when people always face that, and that is ethical dilemma. Jo hamare subject mein, hame jo ethics ka chapter hai, पार्ट थ्री में एक चैप्टर जो एथिक्स का है उसमें सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला ये टर्म होगा एथिकल डायलेमा. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में एथिक्स चैप्टर में वो है एथिकल डायलेमा. मैं उसको जस्ट बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं, डिटेल डिस्कशन हम करेंगे बाद में. एथिकल डायलेमा, डायलेमा तो पता है, टू स्टेट्स मूवी नहीं, टू स्टेट्स दुविधा मनस्थिति कश्मकश. अरे ये सुनो, एथिक्स प्रिंसिपल्स वैल्यूज, एथिकल डायलेमा क्या करूं,
इधर जाओ कि उधर जाओ, ये भी है वो भी है, इधर लगाओ क्लास की उधर लगाओ, ये भी है वो भी है, डायलेमा ही डायलेमा, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, एथिकल डायलेमा। इसलिए मैं कहता हूं एथिकल डायलेमा और डिसीजन मेकिंग दोनों में अंतर है। डिसीजन में हम कहते हैं आपके पास एक, आपके सामने एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के चार ऑप्शंस दिए आपको, उनमें से एक सही है तीन गलत है, वो डिसीजन मेकिंग है और उसको सीएस फाउंडेशन कहते हैं। एक प्रॉब्लम है, चार ऑप्शंस है, तीन गलत है एक सही है, आपको सही चूज करना है, वो डिसीजन मेकिंग है और वो सीएस फाउंडेशन है। बट आपके सामने भाग्यश, ध्यान से सुनना, आपके सामने एक प्रॉब्लम है जिसके चार सॉल्यूशन है और चारों सॉल्यूशन सही है और तुम्हें चूज करना है, उस वक्त जो सिचुएशन है उसको हम डायलेमा कहते हैं। उस वक्त जो सिचुएशन है उसे हम डायलेमा कहते हैं। जस्ट इमेजिन करो आपका खाना हो गया है और आपके मन में आया कि आपको डेजर्ट खाना है एक कोई तो अच्छा, और आपके सामने पांच डेजर्ट जो पांचों आपको पसंद है वो आ गए, आपको किसी एक को ही खाना है, पांचों नहीं खाना है, कोई तो बोल देगा पांचों खा लेंगे, यू टू बी कैलरी कॉन्शियस, आपको किसी एक को ही खाना है। तो उस वक्त जो आपके सामने सिचुएशन है वो एथिकल डायलेमा है। बोइंग कंपनी का नाम सुना आपने, बोइंग एयरक्राफ्ट एरोप्लेन्स बनाती है, यूएस बेस्ड कंपनी है बोइंग। बोइंग कंपनी ने इस एथिकल डायलेमा को लेकर इतना सुंदर प्रोप कहा है, उन्होंने इतना बढ़िया कहा है, उन्होंने कहा है एथिकल डायलेमा को लेकर बोइंग कहती है, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज अ ट्रबलसम ग्रे एरिया। बाबा रे बाबा, क्या रही है, बाउंसर बाउंसर बाउंसर, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज अ ट्रबलसम ग्रे एरिया, बोइंग कंपनी कहती है एथिकल डायलेमा को लेकर। इसको मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, बोइंग कंपनी कहती है एथिकल डायलेमा को लेकर ये फ्रेज की यूज करते हो, कहते हैं क्या सही है क्या गलत है, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट ग्रे एरिया है, मतलब एक बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस सर्कमस्टेंसेस में जो सही होगा किसी और सर्कमस्टेंसेस के लिए उनके लिए कुछ और सही होगा। तो क्या सही है क्या गलत है बिजनेस में एथिक्स यूज करते हो, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है और इसके बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, अंडरस्टैंड बेटर। जस्ट इमेजिन ऑल ऑफ यू, एक फार्मा कंपनी है, फार्मा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में सबसे अहम होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फार्मा सेक्टर में, फार्मा बड़ी कंपनीज में R&D बहुत इंपॉर्टेंट अहम होता है। उस R&D डिपार्टमेंट के आप हेड हो, यू आर द हेड ऑफ R&D डिपार्टमेंट। आपकी टीम ने एक ऐसी दवाई बनाई है जिस दवाई के खाने से सालों से चलती आ रही बच्चों की एक बीमारी दूर होने वाली है। आपकी टीम ने वो दवाई का फॉर्मूला इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, मैं कहूंगा नहीं किया। अब उस दवाई को बनाने के लिए काफी पैसा इन्वेस्ट होने वाला है रिसोर्सेस के फॉर्म में, मैं जो बोलो समझ रहा है। और वो जो बीमारी है, जो बच्चों की बीमारी दूर होने वाली है, वो 1,000,000 बच्चों में एक बच्चे को होती है, मैं जो बोलो ध्यान सुनो, वो बीमारी 1,000,000 बच्चों में एक ही बच्चे को होती है। बट उस दवाई को बनाने के लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेस इन्वेस्ट होने वाले हैं, पैसा काफी लगने वाला है। आप R&D डिपार्टमेंट के हेड थे, टीम ने वो दवाई इन्वेंट तो कर ली है, आपने वो फॉर्मूला मैनेजमेंट को दे दिया, अब आगे फैसला किसको लेना है, मैनेजमेंट को लेना। आई एम आस्किंग यू, दवाई अगर बनाओगे तो रिसोर्सेस काफी इन्वेस्ट होंगे, उसके मुकाबले प्रॉफिटेबिलिटी बहुत निग्लिजिबल है, बिकॉज 1,000,000 बच्चों में एक बच्चे। नहीं बनाओगे, ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। अरे ये सुनो, तो मेरा सवाल आपको ये है, इस एथिकल डायलेमा वाले सिचुएशन में आप क्या फैसला लोगे? सोचोगे तो बोलोगे। मेरी बात समझ में आई ना सबके? क्या फैसला हो? देखो, जो भी आप सोच रहे हो शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग, सो आई पर्सनली फील, सो शेयर, डजंट मैटर सही गलत, ये मैं डिसाइड कर लूंगा, डोंट वरी, यू जस्ट शेयर।
मैंने हिंट दे दिया आपको। यस बेटा, दवाई क्या? दवाई बनाएंगे। अच्छा, यहां पे तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे डिसीजंस पर हावी हो रहे हैं। बिजनेस में यू कैन बी इमोशनल। तुम जो कह रही हो कि दवाई बनाएंगे, ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी, यू नो ऑल दैट, एक अंबानी जैसा बिजनेसमैन होगा तो नहीं बनाएगा। देखो हाँ, अच्छा एक काम करो ना, तुम्हारे पास आज कितने तुम्हारे नाम से पैसे, गुडविल होगी ना, जितनी भी प्रॉपर्टी पैसे ना सब मेरे नाम से ट्रांसफर करो, तो मैं तुम्हारा पूरे पुणे में गुडविल करता हूँ। क्या भाग्यशील लड़की आ रहे हो, वाह उसने पूरा मेरे को पूरा धन दौलत दे दिया, गुडविल ही गुडविल, क्या गुडविल करता हूँ एकदम, क्या एकदम, इससे गुडविल बढ़ेगा। सिंपल सी बात है ना भाई। तो यस आई एम देखो, आई टॉक फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स, आई वॉन्ट यू टू थिंक फ्रॉम दैट एंगल, बिकॉज सी थ्योरी पढ़ना और थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ लिंक करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू लिंक दैट, सो अंडरस्टैंड वेरी सिंपल। अरे यार कुछ नहीं, एथिकल डायलेमा है, बहुत सिंपल है। क्या करो, चूजिंग बिटवीन, नो दैट्स फाइन, बट उसमें फिर मेरा सवाल, मुझे उत्तर चाहिए, तुम दवाई बनाओगे कि नहीं बनाओगे? नहीं बनाओगे। अच्छा क्यों नहीं बनाओगे? अच्छा इंस्टॉल, अच्छा मतलब बर्ड इन हैंड इज बेटर देन अ बर्ड इन बुश, इसको तुम बिलीव नहीं करते हो। तुम ये सोचो कि अच्छा ये फॉर्मूला बनाना है, ठीक है इसको रखो बाजू में और नया फॉर्मूला बनाते, कुछ नया फॉर्मूला होगा जिसमें लोगों का भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो। देखो विन विन मॉडल पे काम कर रही हो भैया, पहले हमारा भी फायदा होना चाहिए, लोगों का भी फायदा होना चाहिए, तभी हम बनाएंगे। भैया सिर्फ लोगों का फायदा हो हमारा फायदा होना तो गलत है ना, ये दवाई नहीं बनाएंगे हम। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको हिंट दिया था, एथिक्स इज चूजिंग राइट फ्रॉम राइट, एंड वॉट इज एथिक्स फॉर यू इन वन सर्कमस्टेंसेस कैन बी डिफरेंट फॉर सम वन एल्स इन अदर सर्कमस्टेंसेस। मैंने आपको जब फार्मा कंपनी के बारे में कहा, इसके उत्तर देखो, आप दवाई बनाओगे भी और नहीं भी बनाओगे, दोनों कर सकते हो। सर कैसा है, अगर आपकी फार्मा कंपनी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है PSU, तो उसे दवाई बनानी पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज दे आर इन्वेस्टिंग। अगर आपकी फार्मा कंपनी एक प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेन एम, यू कांट हेल्प ओवरकम इमोशंस योर बिजनेस, वहां पर आपने दवाई ना बनाने का फैसला लेना चाहिए। बट सुनो, आपकी फार्मा कंपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी, आपकी फार्मा कंपनी का जो CEO प्रमोटर था मेन, उसका बच्चा उसी बीमारी से मर गया था। ओ भले ही अब प्राइवेट सेक्टर की है, बट फिर भी अब इसने अपने इमोशंस को उसमें डाल दिया, नहीं जो मेरे बच्चे के साथ हुआ किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, और उसने वो दवाई बनाने का फैसला लिया। मतलब ध्यान से सुनो, जब कोई केस इस एथिकल डायलेमा को लेकर आता है ना, जो मैंने आपको कहा, इट विल वेरी फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंस, सिचुएशन टू सिचुएशन, जिसको हम कहते हैं व्हेन यू आर ट्रैप्ड इन एथिकल डायलेमा, यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू लुक एट नंबर वन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स गोल्स, योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स नंबर वन, एंड द पर्सनल एट्रीब्यूट्स, पर्सनल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स ऑफ दैट इंडिविजुअल हु इज गोइंग टू टेक द डिसीजन। सो द पर्सनल वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स गोल्स कंबाइंड टूगेदर, वॉट कम्स आउट इज द सोल्यूशन। लेट अस डिस्कस दिस इन अ फनियर वे। भाग्यश का एग्जाम्पल लेते हैं। भाग्यश चलेगा ना, देखो भाग्यश तुम CS बन गए, तुम्हें एक 30 लाख का पैकेज लग गया, अच्छी खासी नौकरी लग गई, और तुम्हें अब एक ही काम बचा है जिंदगी में कि अब तुझे जल्द से जल्द शादी करानी है, तो तुम्हारे लिए काफ़ी प्रपोजल्स आ रहे हैं, कुछ प्रपोजल्स काफ़ी जान पहचान के लोगों से आए हैं, और तुम्हें कुछ 4-5 लड़कियाँ एक साथ देखने जाना है, तुमने एक ही दिन में 5 लड़कियों को देखने का फैसला कर लिया, और तूने एक दिन में 5 लड़कियां देख ली और 5 तुम्हें पसंद आ गई। अब भाग्यश तुम किस सिचुएशन में फंस गए? एथिकल डायलेमा, बिकॉज 5 लड़कियां देखी बट 5 उसे सही लग रही है, चूजिंग राइट फ्रॉम राइट। तो ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे बोलो? I want the answer. नहीं नहीं देखो, हमें पांचाली वगैरह कुछ ऐसा करना नहीं है। मैं
द्रौपदी भाग्यश को द्रौपदी नहीं बनाना है। मैं तुमको ये पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल, और ये उस सदी में होता था, आज की सदी में बहुत मुश्किल है बेटा। तो यस भाग्यश, जस्ट यू आंसर। देखो मैंने क्या कहा, तुम्हें सब अच्छी लगी, पांचों अच्छी लगी है। तो मैंने तुमको इसका हिंट भी दिया था, आंसर भी था, व्हेन यू आर इन एथिकल डायलेमा। अब बाकी चीजें मतलब क्या, तुम ये देखोगे, तुम ये समझोगे कि तुम्हारे, तुम अपने लाइफ पार्टनर के प्रति आगे जाके जिंदगी में क्या चाहते हो। जैसे कि मेरा क्लियर विजन था, मैं उसके बारे में बाद में शेयर करूंगा। तो अगर तुम चाहते हो, अच्छा उनमें से एक लड़की कंपनी सेक्रेटरी थी, एक लड़की डॉक्टर थी, एक लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, एक लड़की इंजीनियर थी, तो तुमने फिर वो देखा, अच्छा मैं प्रैक्टिस में आना चाहता हूँ, तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी लड़की की शादी करूंगा तो ज्यादा बेटर होगा, तो इंजीनियर डॉक्टर कट हो गई। तो इस तरह से तुम उसे फिल्टर करते करते तुम्हारे खुद के पर्सनल गोल्स एंड वैल्यूज एंड तुम्हारे ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स क्या होंगे, उन दोनों को मैच होते हुए तुम डिसीजन लोगे। अरे बहुत सिंपल है दोस्तों, और ये अगर हमारे पर्सनल लाइफ से जुड़ा है, यही तो बिजनेस में भी तो होता है। अरे हाँ कि ना। सो व्हाट इज एथिकल डायलेमा, कोई बोलेगा, तो एथिकल डायलेमा इज चूजिंग राइट फ्रॉम राइट। चूजिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग इज नॉट एथिकल डायलेमा, एथिकल डायलेमा इज चूजिंग राइट फ्रॉम राइट, राइट फ्रॉम राइट। बाबा रे बाबा, सब्जेक्ट का नाम गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस, एथिक्स, ये सब है, और अभी तो हम सिर्फ एथिक्स पर ही अटके। दिल्ली अभी बहुत दूर है, बट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, अब इसका लिंक बताता हूं बिफोर वी स्टॉप फॉर द डे, इसका लिंक आपको समझना है। सब्जेक्ट का नाम भले इस तरह से ना, कैसे लिंक है देखो, अगर आपके पास, ध्यान सुनो, अगर आपके पास एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स होंगे, ध्यान सुनो, आपके पास एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स होंगे, अगर आपके पास एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स होंगे तो आप गवर्नेंस दे पाओगे। गवर्नेंस एक अगेन ग्रीक वर्ड है गवर्नमेंट, जिसका मतलब है स्टीयरिंग, स्टीयर, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, हम जहां पे स्टीयरिंग घुमाएंगे गाड़ी उस डायरेक्शन में जाती है। कंपनी का स्टीयरिंग किसके हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो स्टीयरिंग जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे उस डायरेक्शन में कंपनी जाती है। इसलिए गवर्नेंस की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। गवर्नेंस इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग, गवर्नेंस इज नथिंग बट अकाउंटेबिलिटी एंड वी कैन से समथिंग कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑन योर ओन सेल्फ। तो गवर्नेंस अगर डिसीजन मेकिंग है, तो ये सही डिसीजन आप कब ले पाओगे, जब आपके पास खुद के पास क्या है, एथिकल वैल्यूज है। और ये सही डिसीजन आप ले पाओगे तो ही आप बिजनेस को रिस्क से मैनेज कर पाओगे, और तो ही आप कंप्लायंसेस, मतलब कंप्लायंस ऑफ ऑल द लॉज एंड रेगुलेशंस फुलफिल कर पाओगे। इसका मतलब है गवर्नेंस के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, कंप्लायंसेस के लिए पहले जरूरी है कि बिजनेस में एथिक्स हो। आप मुझे बोलो, अगर वाकई में रामलिंगम राजू जो सत्यम के सीईओ चेयरमैन थे, उनके पास वो एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स होते, तो उन्होंने वो फैसला और डिसीजन टू डू विंडो ड्रेसिंग ऑफ द बैलेंस शीट नहीं किया होता। अरे ये सुनो, अरे आप नारायण मूर्ति का एग्जांपल लो, नारायण मूर्ति के भाई के लड़के फनीश मूर्ति 24 years बिफोर ये स्टोरी हुआ था। फनीश मूर्ति जब इंफोसिस में थे, इंफोसिस का एक पॉलिसी था जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, पॉलिसी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट एलिगेशन ऑफ अब्यूज। फनीश मूर्ति पर उनके किसी एक फेलो कलीग ने, फीमेल एम्प्लॉय ने एक्सप्लॉयटेशन का सिर्फ अक्यूज किया, अक्यूज्ड। दैट डे नारायण मूर्ति थ्रू हिम आउट ऑफ द कंपनी। एवरीवन थॉट कि नाउ brother's son just accused will be exempted from this particular policy. Naramurthy came in front and said, whether it is my brother's son or my own son or me myself, when we have a policy, it has to be followed by everyone. These are the principles and values that make a company. Asim Premji, you may have heard recently,
What kind of principles, ethical value, philanthropic person? And this Azim Premji, in the year 1980s, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है, आई डोंट नो, महाराष्ट्र में धुलिया, धुलिया के नज़दीक एक तालुका है अमलनेर, अमलनेर तालुका के अंदर अजीम प्रेम जी 80s में उन अमलनेर की गलियों में घूमते थे पैदल, उनकी ऑयल मिल थी, ऑयल मिल, और वो लोगों को वहाँ पर गलियों में घूम कर कहते थे आप मेरे ऑयल मिल के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो, मैं आपको बदले में रिटर्न दूंगा, और वो वहां पर कहते थे ऑयल मिल्स में अजीम प्रेम जी, विप्रो कंपनी वॉज नोन फॉर FMCG कंपनी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, विप्रो ऑयल आता था, विप्रो शिकाकाई आता था, विप्रो सोप एंड ऑल दैट आता था। 1989-90 में जब राजीव गांधी ने कंप्यूटर्स इंडिया में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, उसके बाद विप्रो केम टू हार्डवेयर बिजनेस फर्स्ट, विप्रो का हार्डवेयर था पहले, डेस्कटॉप एंड ऑल दैट वो बनाते थे, धीरे धीरे एंटर इन टू सॉफ्टवेयर। आज अगर कोई कहे विप्रो तो लोग बोलते हैं आईटी कंपनी है, बट विप्रो इज बेसिकली FMCG कंपनी। सो इट्स ऑल, मैं कह रहा अगर आपके पास वो सही एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स होंगे ना, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ दोस्तों, अगेन मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू अचीव वॉट यू एम इन लाइफ। एंड ध्यान रखना, आपको जो लाइफ में अचीव करना है, एम करना है, उसके लिए एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा संभाल के रखनी है, जो आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वो है एथिक्स। कई बार आपको ऐसा लगेगा मैं क्यों करूँ, कोई नहीं कर रहा है, मैं क्यों करूँ, जस्ट इग्नोर इट, कोई नहीं कर रहा है इसलिए तुम करो। जस्ट बी अवे फ्रॉम द भीड़, हम बोलते हैं ना क्राउड से अलग हो जाओ, एंड जब आप वो करना करने लगोगे ना, मुझसे लिख कर लो आप जो एम करते हो, आपका जो एम्बिशन है, आपका जो ड्रीम है, आपको उसके लिए भागने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद धीरे धीरे तुम्हारे कदमों में चलते आएगा, गॉड अपने आप तुम्हारे लिए रास्ता बना देता है। मैं कोई स्पिरिचुअल भाषण नहीं दे रहा हूं या कोई प्रवचन कीर्तन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी में अगर वाकई में आप उस मुकाम को हासिल करना चाहते हो जिसके लिए आपने सोचा है, तो ये सब्जेक्ट, ये एथिक्स एक चैप्टर है, 10-5 मार्क का वेटेज है, उसको दरकिनार करते हुए आप ये समझो कि हमें इस बैच के दौरान एथिक्स को इस तरह से पी लेना है, जी लेना है, कि एथिक्स हमारे इस बैच के बाद भी, सीएस बनने के बाद भी हमारे साथ जिंदगी भर जुड़ा रहे। बिकॉज मैं इस सब्जेक्ट को इसलिए मोह करता हूं, प्रेम करता हूं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप एग्जाम पास होने के बाद भूलने वाले हो, ये 2400 घंटे मरते दम तक आपके साथ रहने वाला है। और जब जब आप कुछ एथिक्स के बाहर जाके करोगे, आपको मेरी याद आएगी, अब सर ने बोला था, देखो मैंने नहीं किया और देखो ये इम्पैक्ट हुआ, सर ने बोला था मैंने किया, देखो पॉजिटिव चेंजेस। मेरे पास अभी तक का फीडबैक है बच्चों का, मेरे जिन्होंने भी ये मैंने बोलने के बाद किया है, पॉजिटिव चेंजेस मैसेजेस आते हैं सर कि वाकई में सर आपने जो बोला हमने बहुत उसको सीरियसली लिया और हमारे लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। करके तो देखो क्या होगा, नुकसान तो कभी नहीं हुआ, तो फायदा ही होगा, तो जो चीज़ करने से कभी नुकसान नहीं हुआ, हुआ तो फायदा ही होगा, वो करके देखो। इसका एक एग्जाम्पल होता तुम्हें बिफोर यू स्टॉप फॉर द डे, एथिक्स, कभी आपने ऐसा किया कि नहीं, देखो शाम का समय 6 बजे का, दोस्तों के साथ पानीपुरी खाने पानीपुरी के ठेले पर गए, काफी भीड़ थी, आपने पानीपुरी तो खा ली, खा के थोड़े दूर खड़े थे और कोई नहीं था वहां पर, चुपचाप से प्लेट रख दी, निकल गए, चलो मनी मन सुकून मिला कि 20 रुपए बच गए, 30 रुपए बच गए, बट उसके कुछ दिनों बाद पता चला कि 200 चले गए, कहीं ना कहीं खो गए। ये कैसे होता है, कर्मा इज द बीच, गारंटेड। अब ये कहां से होता है, अरे भाई ये तुम्हारे अपनी प्रिंसिपल्स वैल्यू से होता है, मानो या ना मानो, कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गया मैं उसमें, ठीक है ना, बट ये जरूरी है इन्वॉल्व, बिकॉज ये ऊपर ऊपर नहीं पढ़ा सकता, ओ बेटा ये एथिक्स है, हैज टू बी देयर, यहां से आना चाहिए तभी होता है। और देखो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन अभी हुआ एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हमारा जो गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस का पार्ट है, इन तीनों का लिंक होगा कल के सेशन में, और हम कल के सेशन में ये लिंक कोशिश करेंगे 40-45 मिनट्स में कंप्लीट करने का। एंड आई स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, जैसे मैंने डिस्कस किया रिस्क मैनेजमेंट, आई बी स्टार्टिंग विद फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट, जो हमारे पेपर में कंपलसरी हमें 20 मार्क्स के लिए लिखना है, और इस रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो रिस्क मैनेजमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर, तब तक के लिए आज्ञा दो, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, धन्यवाद, शब्बा खैर, बाय बाय।